Assalamualaikum everyone, welcome to another episode of घर में चाहूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट फराह हाशमी। जैसा कि आपको पता है मेरी और मेरी टीम की यही कोशिश होती है कि हम हर बार कुछ मुख्तलिफ ख्वातीन से मिलें और उनसे उनके मसाइल जानें। चलें अपनी ख्वातीन का इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं आपका नाम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तैयबा इकबाल है और मैं एमफिल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और आप? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मनाहिल है और मैं एमएस साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में मौजूद होने के लिए। मौजूदा दौर में औरतों की क्या मसाइल है? औरतों को जो मेजर मसाइल ये है कि उनको उनके बुनियादी हकूक ही नहीं मिल पा रहे हैं। हकूक के बारे में बताया जाता है लेकिन उनकी जो औरतों तक रसाई है वो बहुत मुश्किल है। और आप? मेरा इस बारे में ख्याल ये है कि इसमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत का है कि हुकूमत अपना वो किरदार और आइन में पाकिस्तान औरत को वो हकूक नहीं दे रही जो वो डिजर्व करती है। यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने तो 1973 में आपको यानी कि हम सबको इक्वालिटी का राइट दे दिया है, तो आपके ख्याल में ये जो आइन की इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ तक आज के दौर में अपना काम कर रही है, हो रही है, नहीं हो रही? तो प्लीज़ बताएं, अपनी राय से हमें आगाह करें। देखिए आइन, आप आइन की बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि राइट दे दिए गए हैं, इस्लाम में भी हैं, आइन में भी हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला हमारी सोच से आता है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं जो हमारे घर में भी हैं, हम औरतें भी हैं, कुछ ऐसे सतह पर भी औरतें हैं जो कि इस चीज़ को टैकल कर सकती हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि आगे प्रोवाइड करने में मसला आता है। हमें भी पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमारा इक्वल राइट है तालीम हासिल करना, जॉब करना, घर में पार्टिसिपेट करना। जितना अब तो ये दौर है कि जितना मर्द पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंशियल लेके, उतना ही औरतें भी कर रही हैं, लेकिन क्या उस तरीके से हमें प्रोवाइड करने का हक दिया जा रहा है? हमें जॉब्स की उतनी अथॉरिटी दी जा रही है कि हम करें और घर में इतना प्रोवाइड करें? और आप क्या कहेंगी? मेरा इस बारे में ख्याल ये है कि कहने को तो हमारे मजहब ने, हमारे आइन ने हमें बहुत से हकूक दिए हैं, लेकिन हम अभी तक उन्हीं बुनियादी हकूक से महरूम हैं जिसमें तालीम का हक, पसंद की शादी का हक, ये वो हकूक हैं कि जो एक औरत को हमारे माशरे में मैसर नहीं है। कि अभी भी वालदैन हायर स्टडीज़ के लिए प्रेफर करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ जाए, बेटी को भी क्या करना है, चूल्हा चौका सिखा देंगे और वो उसी से गुजारा चला लेगी। पसंद की शादी भी मर्द आके कहेगा कि अम्मा मुझे ये पसंद है, तो वो उस तरह नहीं रिएक्ट करेगी या माशरा वैसे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ हम औरत को नहीं देते हैं, वो बुनियादी हकूक उसके नहीं मिलते हैं। अब बहुत आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अपने हकूक के लिए हुकूमत से लड़ना औरत का, या फिर कहें कि कोई मार्च करना, कोई नाराबाजी करना, रोड्स पर निकलना, तो वो कहाँ तक आपको लगता है कि ज़रूरी है? देखिए मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप किसी भी बात को, मतलब मैं हकूक की नहीं बात करी, किसी भी बात को मनवाने के लिए आप एहतजाज तक पहुंच जाएं। अगर आप अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे तो आपकी वो बात कभी भी पूरी नहीं होगी। आप प्यार से इज्जत देके वो बात समझा सकते हैं, तभी कोशिश की जा सकती है, दो बार, तीन बार, चार बार आपकी वो बात मानी जा सकती है। मैं खुद एक इंडिपेंडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चार भाई हैं, मुझे अपने एजुकेशन कैरियर में आज तक किसी ने नहीं रोका। मैंने जॉब्स भी की हैं जो मैंने चाहा, मुझे उसमें सपोर्ट किया है मेरे घर वालों ने, मैंने उन्हें प्यार से समझाया, मैंने उन्हें बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ और मुझे सपोर्ट किया गया है। दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने बताया कि भाइयों को सपोर्ट किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, औरतों को भी किया जाता है, बेटियों को भी किया जाता है, लेकिन जब बात आती है जॉब की, जब बात आती है उस तालीम को इस्तेमाल करने की, तब वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है। तब कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, आपने अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करनी है तो ये अब आपकी तालीम का जो है मुआवजा काफ़ी है, जबकि इतना काफ़ी नहीं होता। ट्रू, आप बताइए। अच्छा, हम आवाज़ उठाने का मकसद हमेशा इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। आवाज़ उठाना ये नहीं है कि हम शोर शराबा करें या नारेबाजी ही करें, उसका मकसद ये है कि हम अपने हक में बोलना सीखें, और वो उसकी शुरुआत हमारे घरों से होनी चाहिए। बाहर सड़कों पे निकल के नारेबाजी करने से बेहतर ये है कि हम अपने घर से आवाज़ उठाना शुरू करें, हम अपने अब्बा को, अपने भाई को, अपने घर वालों को ये समझाएँ कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और हम क्या डिज़र्व करें। हम आगाही का, अवेयरनेस का, या आवाज़ उठाने की शुरुआत अपने घर से करें तो वो बेहतर है।
इतनी पॉजिटिव सोच आई थिंक हम सब की होनी चाहिए, लेकिन अब एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम अपनी हुकूमत पर या अपने अपोजिट जेंडर पर लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमें हासिल नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमती में पार्लियामेंट में स्पेशली बहुत सारी औरतों को भी सीट मिली है और वो रिप्रेजेंट कर रही हैं औरतों को, विमेन एम्पावरमेंट को, तो क्या सिर्फ शिकवा हुकूमत से करना जायज़ है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कौमी असम्बली में भी और अगर कौमी सतह पर भी हम देखें तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि इतनी ताकत रखती हैं कि वो औरतों के लिए कुछ कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उनके पास कुछ अपने इक्तदार की ताकत आती है तो वो फिर किसी और ही कामों में निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लड़कियां जो हैं वो उनकी तरफ देखते रहें और मर्दों पर इल्ज़ाम लगाते रहें, इसमें तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। बेहतर यह है कि हम अपने पर काम करें, हम अपने आप को बेहतर बनाएं, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि सामने वाला हमें इनकार ना कर सके, हम जो काम करें वो इतना पॉजिटिव हो कि सामने वाले को हम उसके ऊपर अग्री कर सकें कि हम ये काम करना चाहते हैं और आप हमारा साथ दें। और अगर हम मुसलसल कोशिश करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ नामुमकिन है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमारे हकूक़ किसी के फ़राइज़ हैं, तो किसी मर्द से या हुकूमत से हमारा शिकवा नहीं होता, हमारा शिकवा उन लोगों से होता है जिन पे हमारे हकूक़ फ़र्ज़ हैं, तो उन फ़राइज़ को उनको चाहिए पूरा करें। अगर मर्द है आपके घर का, अगर वो डोमिनेंट है आपकी सोसाइटी में, तो उसको चाहिए कि जो उस पर फ़राइज़ हैं वो उसको पूरा करे, औरत के हकूक़ अदा करे। हकूमत है तो उस पर भी कुछ फ़राइज़ हैं, बेशक हमारी पार्लियामेंट में ख़वातीन की तादाद मौजूद है, लेकिन वो इतनी कम तादाद में मौजूद है कि वो अपने हकूक़ को हासिल कर लें तो वो बहुत है, हमारे हकूक तक आना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारा शिकवा हकूमत से और उन लोगों से होता है कि जिन पे हमारे हकूक वो फराइज़ की शक्ल में मौजूद है। अभी आपने कुछ देर पहले एक बहुत खूबसूरत बात की कि जी मैं चार भाइयों की बहन हूँ और मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक, हमेशा सपोर्ट मिला। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भी मैं अलिफ चैनल की होस्ट हूँ और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि शायद इक्वलिटी में कहीं कोई कमी रह गई हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अपने लिए, अपने मुकाम को वो हासिल कर सकती है, इक्वलिटी की जितनी जिम्मेदारी हुकूमत पर है या अपोजिट जेंडर पे उतनी ही औरत पे खुद पर भी होती है, तो इस हवाले से क्या कहोगे आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। औरत अपनी वर्थ खुद बनाती है, औरत हो मर्द हो कोई भी किरदार हो इस दुनिया का, वो अपनी वर्थ खुद बनाता है। अगर वो चाहे कि वो किसी का मोहताज ना हो, चाहे वो अपने घर वालों का हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो अपने आप को इस काबिल बना सकता है अपनी मेहनत से, प्रूव करके अपना एक एजेंडा कायम कर लें और फिर उस पर लग जाएं, उस पर मेहनत करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ आपको उस चीज़ में रोक सकती है। हाँ, अगर हम ये कहें कि हमारे घर वाले या कोई हस्बैंड, भाई, फादर कोई भी सपोर्ट नहीं करते, तो घर में कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है और गालिबन वो सिर्फ एक माँ होती है जिसको हम जो है वो आगे करते हैं कि हमारी बात मनवाई जाए, हमारी मदद की जाए। तो अगर हम घर वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरें तो मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि कोई भी भाई, कोई भी बाप अपनी बेटी को आगे जाने से नहीं रोकेगा। बहुत खूब। आप? मेरे ख्याल में हमें सोच बदलने की ज़रूरत है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि वो औरत है या मर्द है। अगर हमारे माशरे में सोच बदलेगी तो औरत को उसका हक मिलेगा। औरत ये सोचे कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो वो भी उसको ये एहसास दिलाए, वो इनकरेज करे कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो। अगर वही उसको इनकरेज नहीं कर रहे और औरत भी अपनी सोच नहीं बदल रही, तो माशरा एक बेहतरी की तरफ और औरतों को उनके हकूक मिलने की तरफ नहीं जा सकता। जी, तो मुझे बताएं कि इस हवाले से हल क्या है? देखें, आइन में 1973 में औरतों के आइन पे हक तो उन्होंने दे दिया है, हमें हमारी जिम्मेदारियों को बता दिया गया है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हुकूमत के इकदाम हमें नज़र नहीं आते। अभी भी रूरल एरियाज़ में कुछ औरतें कुछ ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है उनके हक का, तो उन औरतों के लिए कुछ ऐसी कैंपेन चलानी चाहिए, कुछ ऐसी अवेयरनेस की जो है वो मुहिम का आगाज़ करना चाहिए जिसमें उनको पता हो, जिसमें उनके मर्दों को भी पता हो कि उनकी औरतों का हक क्या है और औरतों को भी पता हो कि उनका हक क्या है। आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, इस मामले में मैं इनसे एग्री करूंगी कि आईन ने हमें हकूक तो दे दिए, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना, मेक श्योर करना कि ख़वातीन को वो हकूक मिल रहे हैं या नहीं, ये हकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब हकूमत अवेयरनेस के थ्रू या अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ये मेक श्योर करें कि ख़वातीन तक उनके हकूक कैसे पहुँचाए जा सकते हैं। जी बहुत खूबसूरत बात की आपने। जी गाइज, अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी इस टॉपिक के हवाले से स्टूडियो में, तो ओवर टू स्टूडियो। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं घर में चाहूँ के स्टूडियो से। मैं हूँ आपकी होस्ट फराह हाशमी, और जैसे भी आपने हमारा पैकेज देखा, हमारा सेगमेंट देखा, जहाँ हमने ख्वातीन से आईने पाकिस्तान में उन्हीं के हकूक़ के बारे में पूछा, और जितने जवाबात हमें मिले उससे हमें यही लगा कि शायद अभी भी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी औरतें हैं जो मुतमईन नहीं हैं अपने हकूक़ से जो आईने पाकिस्तान उनको दे रहा है। इस टॉपिक पर बहुत सारे सवालात थे। सवालात के जवाब के लिए हमारे स्टूडियो में हमारी एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद होती हैं, तो चलें जल्दी से उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी आपने हमारा सेगमेंट देखा, उसमें हमने बात की आईने पाकिस्तान की। 1973 में जो आईने पाकिस्तान तय हुआ था, उसमें ये चीज़ मेक श्योर कराई गई थी कि इक्वेलिटी को की जमानत दी गई थी, स्पेशली सिन्फी मसावात की अगर हम बात करें। बिल्कुल। अब इसी आईन में ये भी कहा गया कि किसी भी जिंस की बुनियाद पर कोई भी बर्तरी नहीं होगी। हाँ जी, बर्तरी नहीं होगी। और इस आईन में शादी से लेके, माँ बच्चे के तहफ़ से लेके, जायदाद से लेकर के, और साथ ही साथ जॉब्स के हवाले से कोटा दिया गया। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल ये होगा, क्या ये सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है या सिर्फ दस्तावेज़ों के हद तक ही है? देखिए फरा, इम्प्लीमेंटेशन तो सिर्फ दस्तावेज़ की हद तक ही है। फैक्चुअली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बड़े सवाल उठने चाहिए और उनके जवाब भी मांगने चाहिए हमें गवर्नमेंट से। देखिए आइन में तो आपको इक्वालिटी भी मिल गई, आइन में आपको जगह भी मिल गई, उसमें आपके हकूक भी आ गए, किस तरह मिलेंगे वो भी बता दिया गया, क्या होगा अगर सज़ाएँ भी दे दी गई, अगर वो हकूक नहीं दिए जाते या उनमें हक तलफी होती है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन तो कोर्ट्स ने कराना है, लोगों ने कराना है। आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आपका जो गवर्नमेंट है, उसने कराना है। वो कहाँ तक फ़ाल है? मेरा ख़्याल है कि अभी तक बेसिक ह्यूमन राइट्स पर ही हम नहीं आए हैं, तो हम मतलब हकूक़ निस्वा तक तो बहुत दूर की बात है अभी। मतलब हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने हकूक़ देखें ऑफ इक्वालिटी पर, तो उसी में बहुत बड़ा तजाद है। एक खातून जो लड़की है या एक खातून है, उसकी सैलरी में और एक मर्द की सैलरी में इंटरनेशनली बहुत फ़र्क है। तो ये जो नज़रिया है ना कि औरत मुझसे कमतर है, मर्द का जो ये नज़रिया है कि मैं औरत मुझसे कमतर है और मैं बरतर हूँ, ये आपको इन प्रैक्टिस नज़र आता है जिस वक्त आप सोशली और जो प्रोफेशनली चीज़ों को होता देखते हैं। तो आपकी बात से मैं अग्री करूंगी फरा कि इसमें यस, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन ओवर हियर। आयशा, आपको क्या लगता है कि आईने पाकिस्तान जो मौजूदा हमारा आईने पाकिस्तान है, उसमें मुकम्मल तौर पे औरतों को तहफ्फुज़ हासिल है, या आपको लगता है कि वक्त के साथ उस पर एडिशन होनी चाहिए? देखिए फरा, आई थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजिस्लेटेड कंट्री। हम इस पर जितनी नए बिल्स लेते आए, देखिए बिल्स पे काम होना चाहिए, पार्लियामेंट में काम होना चाहिए, औरतों के मसाइल पर बात भी होनी चाहिए, और सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि पहले वो हुकूक जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, क्या वो आपको मिल गए हैं? अभी आप उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाएं, उसके बाद नए हुकूक की डिमांड की जा सकती है कि हाँ इसके ऊपर मज़ीद काम किया जाए। देखिए बिल पास कराना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चार समझदार पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हों, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपके बिल को पास कराने के लिए। बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। वो होनी है जब आपके अंदर एज अ सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत, एक औरत को एक इक्वल पार्टनर एक्सेप्ट करने की हिम्मत करनी पड़ेगी एक मर्द को। बट वॉट वी नीड इज़ कि equal amount of opportunities should be given to women and men both,
बर्तरी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फॉर दैट मैटर आजकल के मर्दों का ये भी बहुत सवाल है कि खवातीन को जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, विच इज़ ट्रू, और लड़कों को जॉब्स कम मिलती हैं क्योंकि उनकी एक औरत की प्रेजेंटेशन में, एक लड़की की प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेबल होने में बहुत फ़र्क है एज कम्पेयर टू अ मैन। और फीमेल जहाँ भी होती है उसकी एक अपील, उसकी एक सॉफ्ट इम्पैक्ट बड़ा ऐड करता है, इट्स एन ऐड ऑन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस से एक उनका रोल बढ़ता है, रोल भी बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सॉफ्ट इमेज जाता है कि अच्छा यार एक लड़की को एम्पावर किया हुआ है या एक लड़की को इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कितनी खवातीन हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, जिनको पता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं? आई कैन बेट खवातीन ने कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ी होती। मेरा सवाल है आपसे कि लोगों को क्यों, कैसे पता चलेगा? क्या उनको पता है कि हुकूमत ने उनको कितनी राइट्स दी हैं? कहां से पता चलेगा? लोगों को नहीं मालूम। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खरीदें, उसे पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ना तो अब तो वेबसाइट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप सिर्फ आप अपने राइट्स निकाल के पढ़ लें कि एज अ वुमन पाकिस्तान में या ताज़ीरात पाकिस्तान में आपकी जगह क्या है। आप इतनी नॉनसेंस जो पढ़ते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हर गलत खबर पढ़ते और देखते हैं, क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स नहीं देख सकते? क्या आप नहीं देख सकते कि आप पर किसी और को बर्तरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो आपसे ज़्यादा स्किल्ड है या उसकी एजुकेशन आपसे ज़्यादा है? फिर भी बहसियत इंसान आपकी वैल्यू को डाउन नहीं किया जा सकता, डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, उसमें भी आपको एज ए ह्यूमन वैल्यू किया जाएगा और आपको वैल्यू करके उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, कोटा प्रोवाइड। बिल्कुल। अच्छा आयशा, अभी हम आज बात करें आईने पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ की, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो जॉब्स पे हरासमेंट्स होती हैं, हम या तो हमारे पास दो ही हल हैं कि या चुप करके बर्दाश्त करते जाओ या फिर जॉब छोड़ दो, अपनी बात, एक तो आपकी रिप्यूट ख़राब होती है कि अच्छा इसी के साथ क्यों हुआ, ज़रूर इसमें कोई यू नो मसला होगा या इसने इनिशिएट किया होगा। कहने वाले भी आपकी अपनी कॉलीग्स होती हैं। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। और यही मैं आपसे कह रही हूँ, तो उस तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए मैं फिर वही बात कहूँगी, जब भी इस एक माशरे में एक चीज़ तो अंडरस्टूड है, हमारा एक मेल शोविनिस्ट माशरा है, हम मर्दों के किरदार को नीचे नहीं कर सकते। हमारे माशरती अकदार जो हैं उसमें आप एक मर्द की इम्पोर्टेंस को, एक औरत की इम्पोर्टेंस को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। हमारा माशरा एक मर्दों का माशरा है, ठीक है, इसे हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक हम प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकते। माई हस्बैंड ऑलवेज सेज कि जब तक आपने एक मसले का को एक्सेप्ट नहीं ना किया तो आप उसका हल नहीं निकाल सकते। अब पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि ये मर्दों का माशरा है, औरतों ने इसमें अपनी जगह बनानी, और जगह लड़ के झगड़ा करके नहीं बनाई जा सकती, अपनी काबिलियत दिखाकर कन्विंस करके बनाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजार दें, लेकिन अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आपको अपने हकूक लेने हैं जो आपको मिल दिए गए हैं बाय द वे, या आपको किसी ने हाथ से नहीं पकड़ाने, या आपका हक है, तहफ़्फ़ुज़ आपका हक है, जॉब सिक्योरिटी आपका हक है, और अगर कोई मर्द कोई औरत आपको हरास कर रहा है ऑन जॉब, उसकी सजाएं मौजूद हैं, आप यू कैन सीक फॉर जस्टिस। अब आगे जस्टिस सिस्टम हमारा इतना फ्लॉड है कि लोग मर जाते हैं और फिर फैसले आते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें एज अ होल नेशन इसके लिए काम करना पड़ेगा, जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर हरासमेंट के लिए अलग कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, मोतसिब आला के दफ्तर को हिलाना पड़ेगा कि उठो और कुछ करो, जो ख़वातीन की मोतसिब आला है उनको देखना पड़ेगा कि किस जगह पर हरासमेंट पे बिल्स तो हैं, सजाएँ भी हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन और सिविल कोर्ट्स के थ्रू उनको किस तरह एक्सपेडाइट कराना है, उनकी सजाएं किस तरह दिलवानी है, और किस तरह औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। शुरू से ही पाकिस्तान में औरतों को तो वो हकूक़ नहीं मुयस्सर थे जो उनके होना चाहिए थे, मसावी हकूक जो इस्लाम ने भी दिए हुए हैं, लेकिन
आईन में यकीनन ये कोशिश की गई थी कि ये हकूक उनको मिले। अलबत्ता ये निज़ाम जो है ये क्योंकि हम अक्सरियत जो थी उनमें जो हिंदुस्तान की अक्सरियत थी उनमें तो औरतों के बुनियादी हकूक का कोई तसव्वुर ही नहीं था, इसलिए यहाँ औरतों को कोई हकूक मुयस्सर नहीं थे। और फिर आज़ादी के बाद कायदे आज़म ने उनसे ये कहा कि आप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, तो उन्होंने उसमें बराबर से हिस्सा लिया और अपने लिए भी एक गुंजाइश पैदा करने की भरपूर कोशिश की कि उन्हें उनके हकूक जो है वो मिल सके। आर्टिकल 25 यही कहता है कि हर एक को बुनियादी हकूक जो है वो हासिल हैं, और खातून होने के हवाले से ये नहीं है कि कोई उनको बुनियादी हक ना मिल सके, बल्कि जो रियासत है वो ख़ास इंतज़ामात कर सकती है बच्चों के और औरतों के हकूक के बारे में। अगर औरतों को शऊर हो तो यकीनन वो अपने हकूक हासिल कर सकती हैं, लेकिन उनका शऊर दिलाना जो है ये तो आपका जो है ज़राए अब्लाग, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अब्लाग है ये उनका काम है। अगर आप उनको बताएंगे तो उनको पता लगेगा, नहीं बताएंगे और ये दिखाएंगे कि औरतों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं तो फिर वही होगा, क्योंकि अगर ना कोई इनका एतराफ़ करे तो सड़क पे निकलने से इनको कोई रोक तो सकता नहीं। और कायदे आज़म ने तो कहा था कि औरतों को चादर और चार दीवारी में मुकैद करना ना इसका मज़हब इजाज़त देता है और ना कानून, तो अगर कोई ज़रूरत पड़े तो निकल सकती हैं। यकीन दो ही तो सिनफ हैं माशरे में, मर्द और औरत, और यहाँ क्योंकि पदर सरी निज़ाम है तो मर्द कोशिश करते हैं कि औरतों पे वो हावी रहे। तो यकीनन अगर औरतों ने मुतालबा करना है अपने हकूक का तो वो मर्दों से ही करेंगे और किससे करें, हवा में तो नहीं कर सकते। 1973 के आइन में तो ये कहा गया कि उनके मसावी हकूक हैं और उनको मैसर होने चाहिए। क्या अमलन ये सूरत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? तो अगर नहीं दुरुस्त तो ये रियासत का काम है कि हर शोबे में, मसलन अगर मुलाजमत की कोशिश करते हैं औरतें तो हर मुलाजमत जो है वो मर्दों औरतों को इकट्ठी मैसर होनी चाहिए। अगर वो तालीम हासिल करना चाहती हैं तो जो आला शोबे हैं तालीम के उसमें उनको तालीम का मौका होना चाहिए। और इसके बाद ये है कि अगर मुलाजमत वो हासिल कर लें तो जिस वक्त अगला जो है उसका कदम आता है तो उनको तरक्की में भी पूरे मौके होने चाहिए, तनख्वाहें उनकी बराबर की होनी चाहिए, उतना काम जितना मर्दों से लिया जाता है। अगर 8 घंटे का दिन है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मुकर्रर किया हुआ है तो यकीनन औरतों को भी वही सहूलतें मैसर होनी चाहिए। अगर उनको ज़रूरत है छुट्टी की, छुट्टी देनी चाहिए, उनके जो भी आराम और आसाइश की ज़रूरियात हैं वो रियासत ने मैसर करनी। आयशा, अभी हम बात कर रहे हैं औरतों की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा, जनाबुल जबर के हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या कर रहा है कानून? देखिए, कानून ने तो खुद दरवाज़े खटखटा के मुजरिम नहीं पकड़ने, आइन तो आपके पास है। फरा, ताज़ीरात पाकिस्तान आर्टिकल 375 और 376 के मुताबिक बहुत क्लियरली स्टेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड, किसी माइनर, किसी औरत के साथ, किसी खातून के साथ ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई हादसा होता है तो वो क्या कर सकती है, वो कौन सी कानूनी चाराजोई कर सकती है, वो लीगली उस गैंग को, उस आदमी को, उस मुजरिम को कौन सी सज़ाएं दिलवा सकती है? उम्र कैद भी हो सकती है, उसे सज़ाए मौत भी हो सकती है। आपने अब जाहिर है, अगेन मेरी बात फिर वहीं आ जाएगी घूम के, मैं जुडिशल सिस्टम के ऊपर आकर रुक जाऊंगी कि जब आप देखें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली एक जज खातून जो है वो अभी रिसेंटली एक और भी हुई हैं, सो देयर आर 2 फीमेल जजेस नाउ। प्रॉब्लम क्या है कि आउट ऑफ सो मेनी जजेस अगर एक या दो, ये पहला बारिश का कतरा है। अब काम क्या है कि इन लोगों के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के जो हमारे ख़वातीन के मामलात हैं, मसले हैं, उनका हल निकालें,
उनके लिए ऐसे सिस्टम्स क्रिएट किए जाएं जहां जना बिलजबर यानी रेप का डायरेक्ट मुकदमा लड़ा जाए और उसके बाद उसकी सज़ा दी जाए। अभी ये पीछे बड़ा ही एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था लास्ट ईयर नूर मुकदम का, आपने देखा कि उसको एक साल हो गया चलते हुए केस को और अभी तक मुजरिम एविडेंस मौजूद है, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने खुला है, लेकिन मुजरिम खुला फिर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को ये नज़र आता है कि हम कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा, हम सब खरीद सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक। वो दरिंदगी करते रहेंगे और ये आंसू इसी तरह बहते रहेंगे उन लोगों के लिए जो इस हर रोज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, इस वक्त भी किसी ना किसी के साथ ये ज्यादती हो रही है और हक होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी सिर्फ खून खौलता है जब हम सुनते हैं कि 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, 9 साल की बच्ची का रेप हो गया, एक बूढ़ी औरत का कब्र में पड़ी एक औरत का रेप हो गया। यानी हमारी कब्रें तक जो हैं वो महफूज नहीं है। तो तहफ़ सिर्फ कानून में आइन में हमने क्या करना है, हमें तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, हमें तो उस पर कानून सर पे खड़ा चाहिए डंडे लेकर के दिखाएं हमें कि एक सज़ा तो देना किसी एक ऐसे मुजरिम को, ऐसे जानवर को सज़ा दें तो पता चले कि कानून के हिसाब से किसी को सज़ा दी गई है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ के उस पे टॉपिक पे एक और बहुत ज़रूरी मैं पहलू आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो है जायदाद। अभी भी औरतों को जो जायदाद का इस्लाम ने हक दिया है वो नहीं मिल रहा, और उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि किसी कज़न से शादी कर दी जाती है ताकि जायदाद जो है वो खानदान में रहे और कहीं ना जाए। अच्छा, जायदाद जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस्लाम का पर्सपेक्टिव अलग है और हमारा मुल्क का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। हम अभी तक उसमें एक यूनानिमिटी नहीं लेके आ सके, उसको हमें बड़ी डिटेल में जो है देखना पड़ेगा कि सूरह निसा क्या कहती है, उसको मतलब उसको प्रॉपरली एलैबोरेट करना पड़ेगा कि आप औरत को उसकी बाप की जायदाद में, उसकी माँ की जायदाद में पूरा क्यों नहीं देते, वजह क्या है। ये फिर वही माइंडसेट है हमारा, एक शूविनिस्ट माइंडसेट है कि इसको अगर अथॉरिटी दे दी, इसको पैसा दे दिया, इसको जायदाद मिल जाएगी तो इसके पास पैसा आ जाएगा। क्यों जाए जायदाद, ये तो सेकंड बात है ना, पहले तो जायदाद दे दी इसको तो ये तो ताकतवर हो जाएगी, तो ये खड़ी हो जाएगी तो फिर ये हमारे हमसे इन्फीरियर नहीं रहेगी। तो सबसे पहली बात इक्वालिटी के ऊपर एक्सेप्ट ना करना, दूसरा जायदाद बाहर जाना, शादी बाहर नहीं करनी, कज़न से कर देनी है। बेशक कज़न मैरिजेस की वजह से बच्चों की अगली नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्ची घर बैठी रहे, कज़न कोई अवेलेबल नहीं है, जायदाद बाहर ना जाए, बच्ची बूढ़ी हो जाए घर बैठ के, उसकी शादी नहीं करनी, गैरों में शादी नहीं करनी। और अगर बच्ची गलती से अपना हक मांग ले तो उसे नाफरमान कहा जाता है। नाफरमान, और उसे नहीं दिया जाता। हाँ, बिल्कुल उसे नहीं दिया जाता। और शादी के वक्त बाज़ूकात ये करते हैं कि शादी पे पैसे खर्च कर दिए और कहा कि बस अभी ये तुम्हारा हक था और बस तुम्हें दे दिया और लिखवा लिया जाता है, बात ख़त्म। ये तो मजाक है। और ये फिर वही बात है फरा कि जब तक शऊर ज़दा माँ बाप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हम अपनी बेटियों को अपना हक देंगे, उनका हक जो अल्लाह ने उनको दिया है, जब तक वो ये फैसला नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, ये मुआशरा नहीं तब्दील होगा। क्योंकि सॉरी मैं बहुत इमोशनल हूँ इस मामले में, हम सबको होना चाहिए। ये मुआशरा तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक हम, आप, मैं और शऊर ज़्यादा लोग ये फैसला नहीं कर लेते कि हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को अलग नज़र से नहीं देखेंगे, उन्हें एक जैसा खाने और पहनने को देंगे, उनकी ज़रूरतों को एक जैसी इम्पोर्टेंस देंगे, तभी आईन और कानून भी उन्हें सपोर्ट करेगा। वरना वो एक कागज़ की तरह 1973 से बन के पड़ा है
और आज भी पड़ा है। बिल्कुल सही। और मेरी तो इस प्रोग्राम के एंड पे रिक्वेस्ट होगी सब बच्चियों से कि कम से कम एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में अपना हक पढ़ लें कि क्या है, और अपनी ज़रूरत के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे कोई तो कोई नहीं उठाएगा। थैंक यू सो मच आयशा इस टॉपिक पे बात करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अभी भी बहुत सारी औरतें हैं जो दूसरी औरतों को सपोर्ट करती हैं, करना चाहती हैं, हाँ करना चाहती हैं, उनके दुख को महसूस करती हैं। सो बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्राउड फंडिंग, वो आयशा उन्हें होस्ट करेंगी और आपको एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन से मिलाएंगी जो ऑफकोर्स पाकिस्तान में बहुत हैं। एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे और अब आपसे ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम दोबारा हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, घर में चाहूँ के सेगमेंट में हमारे साथ बुशरा शाहिद हैं जो सीईओ हैं नरिश एंड फ्लरिश की। ये एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये लोगों को वेट लॉस जो है उसके तरीके भी समझाती हैं और उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स भी देती हैं। इनकी एक और कंपनी है बुशराज फूडो के नाम से, जिसमें एक फूड केटरिंग कंपनी है और इसके साथ साथ मैं नहीं कमज़ोर की ये सीईओ भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं, क्या हाल है बुशरा? थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक। बुशराज फूडो और फिर उसके बाद नरिश एंड फ्लरिश और उसके साथ साथ मैं नहीं कमज़ोर, ये बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो इन सबको आपने इकट्ठा कैसे किया? अच्छा, जब मैं काम कर रही थी तो मैं इतनी सोशलाइज नहीं कर पाती थी। कौन सा वाला काम कर रही थी? बहुत सारे काम कर रही थी। बिल्कुल, जब मैं एक अपने फूड से रिलेटेड ही बात करूंगी, या मैं अपने जब वेट लॉस के क्लाइंट्स पे वर्किंग कर रही थी तो ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट चाहिए था, सोशल प्लेटफॉर्म्स चाहिए थे। और जब मैंने बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया और मैं उनकी प्रॉपर मेंबर बनी, तो वहाँ का जो क्राइटेरिया था फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये था कि वी हैव टू पे फॉर द मेंबरशिप, फॉर द रजिस्ट्रेशंस, एंड इवन दो कोई भी वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो हमें उसके लिए पे करना होता है। और फिर भी उस फॉरम तक जाकर भी हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, क्या एक प्रोफाइल है, जो एस्टेब्लिश फेसेस हैं, उनकी अपनी रिकग्निशन है, वो आते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, वी क्लैप फॉर देम एंड वी गो बैक टू होम। मेरा तब भी ये एक आवाज़ होती थी जो वहाँ की प्रेजिडेंट्स होती थी या जहाँ की जो फाउंडर पर्सनस थी, तो मैं वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाती थी कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए, ये स्टेज हमारे जैसों के लिए है जो घर में बैठी हुई ख़वातीन है, बिकॉज़ आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो मैं सोचती हूँ कि चले मैंने तो अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बनाई, बट मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्किलफुल ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ज़रूरत है। तो फिर उसी सारी ये एक दिन की जो है वो इनोवेशन नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों का होमवर्क है, जिसमें जब मैंने प्रैक्टिकली एक अपना स्टेप इन किया और फिर मैंने जब बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को ऑब्जर्व किया तो फिर मुझे लगा नहीं, ये दिस इज दे आर एक्चुअली नॉट द वर्किंग फॉर द एम्पावरिंग वेमेन, दे जस्ट टू रिकग्नाइज अपने आप को शायद ज़्यादा एक वो नाम दे रहे हैं, या उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म वाकई देना चाहिए ख़वातीन को जहाँ से वो आगे आ सके। तो मैं नहीं कमज़ोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके हिसाब से? देखें, हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका गुमान बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छा। और उसको बहुत पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। राइट। मेरे लिए ये आज का जो एक छोटा सा मैंने पौधा लगाने की कोशिश की है, मैंने और मेरी फ्रेंड फायजा नबील जो चेयरपर्सन है इसकी, तो हमारी सोच तो यही है कि हम मैं नहीं कमज़ोर में हम अपनी उन औरतों को ऐसे इस एनजीओ के थ्रू बेचारा नहीं बनाना चाहते, ना वो बेचारी हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि उनकी एफर्ट्स कितनी हैं इसके पीछे। इतने बड़े बड़े काम आपने अपने कंधों पे उठाए हुए, बताइए ये इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? वर्किंग जब मैंने ये स्टार्ट किया था, वेंचर का सोचा था फॉर वेट लॉस मील्स, स्पेशली मील्स ही क्यों, तो वर्किंग तो 2018 से ऑलमोस्ट स्टार्ट थी मेरी। अच्छा। बट जब कोविड आया 2019 में, तो आपने देखा उसके बाद, बल्कि आप भी एक्सपीरियंस कर रही होंगे इस चीज़ का, लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से शाउट डेवलप हुआ हाउ दे कैन फिट और हाउ दे कैन बीइंग वेल। तो उस चीज़ को लेकर मार्केट के अंदर इतनी सारी चीज़ें थीं
लोग बहुत तरह के जो मील्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स थे डाइट को लेके, स्पेशली कीटो बहुत इन था मार्केट में. एंड इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर तो मेरा स्टार्ट भी कीटो था, बट विद इन अ मंथ मैंने उसको चेंज किया, मैंने उसको स्टडी किया, मैंने उस पर रिसर्च किया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, दिस इज़ बेसिकली नॉट फॉर द वेट लॉस, इसके बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं. तो क्यों ना लोगों को एक जो मेरा इलम कहता है, बिकॉज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, तो उसके एस्पेक्ट पे मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब लोग भी इतने कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया हाउ दे ईट, हाउ दे कैन मेक देयर स्मार्ट चॉइसेस फॉर ईटिंग, तो दिस इज़ द टाइम के लोगों को बताया जाए कि दिस इज़ द टाइम ऑफ बैलेंस्ड ईटिंग. एक तरफ आपकी एक फूड केटरिंग कंपनी है और दूसरी तरफ आप लोगों को डाइट करना सिखाती हैं, ये तो खुला तजाद है. हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आके बात करते हैं. देखें, जब आप जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है मैं नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना है. राइट. जब आप एक हाईली आवाज़ उठाते हैं कि जी हमारे फोरम से आपको हाईली हाइजीनिक फूड मिलेगा, तो मुझे लगा कि फूड इंडस्ट्री से जब मैं एक रिलेट होकर काम कर ही रही हूँ, तो क्यों ना आपकी जो रेगुलर आपके खाने की हैबिट्स हैं या आपकी जो दस्तखान हैं जिसमें आप इवेंट्स सजाते हैं, बर्थडेज डेकोर करते हैं, तो उसके अंदर भी थ्रू मेरे फोरम से एक ऐसा खाना जाया जाए जो एग्जैक्टली बेस करता हो हाइजीन्स पे, या उसको मुझे, क्योंकि मैं खुद बना रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने किस सोर्स से मैंने उसमें मसाले ऐड किए हैं. मैं पैकेट्स मसाले जैसे यूज़ नहीं करती. अच्छा. मेरे सारे होम बेस्ड मसाले होते हैं. बुशरा, ये जो मसाले आप यूज़ करती हैं, ये सब मसाले आपके अपने हैं? ये क्या? सब ऑर्गेनिक बेस्ड हैं. क्या आप मतलब अपनी? जी, मेरे अपने वेंडर्स हैं जिनसे हम लेते हैं. और हम पैकेट्स, जो जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, जितने भी पैकेट्स फूड्स हैं, उनको बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ इसमें भी कि आप अच्छा खाएँ, सेहतमंद खाएँ. राइट. जैसे आपने भी कहा, वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग इस वक्त ओबेसिटी का शिकार हैं और फैशन में भी है. एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वेट लॉस. आप पत्ते पत्ते लोगों को भी वेट लॉस के ऊपर बात करता हुआ सुनते हैं और अब देखते भी हैं, वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं. वेट लॉस इज़ नॉट फॉर एवरीवन. एग्जैक्टली. ये चीज़ आपको लोगों को समझाने में कितना मुश्किल होती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने स्लोगन पर बात करूँगी. मेरा स्लोगन है इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, और मैं लोगों को इसको पोर्ट्रे भी ऐसे ही कराती हूँ. जब एक क्लाइंट मेरे पास आता है तो देखें, आप जब भी कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली यू वांट टू अर्न मनी, बट बहुत सारी चीज़ें आपको बियॉन्ड मनी करना पड़ती हैं. आपको एज अ वॉलंटियरली, अगर आप समझते हो कि यू वांट टू बी द पॉजिटिव, कुछ करना है, कुछ मार्केट में आप आए हो, आपको कॉम्पिटिशन भी है, आपको एक्सेल भी करना है, बट उसके साथ साथ आपको कुछ डिफरेंस देना होता है लोगों को. तो मुझे लोगों को डिफरेंस में अपनी स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स को ये देती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि सिर्फ खा लेना, डाइट अंडर कंट्रोल, इट्स नथिंग. आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, एक टाइम का स्केजुअल, फिर आपका सिलेक्शन ऑफ फूड इक्वली इम्पॉर्टेंट है. फिर लोग समझते हैं कि चूँकि जैसे अभी मैंने एक स्पेसिफिक डाइट का नाम लिया जिसमें एक्सरसाइज आप करो ना करो वो उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, बट जब लोग मेरे पास आते हैं तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि जब डाइट करोगे तो एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसा नहीं होता. ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है. ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम कहते हैं लोगों को, आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो वो कहते हैं मुझे अभी शुगर नहीं हुई है, या मुझे अभी कोई सर्टन या कोई पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं हुई है, तो आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं ना. ठीक है, तो लोगों की माइंड मेकिंग बहुत ज़रूरी है. तो मैं लोगों की माइंड सेटअप्स जो हैं, जो एक स्कूल था, ओल्ड स्कूल थॉट है, उस पर वर्किंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं. प्रोडक्ट मार्केट में कितना रेडली अवेलेबल है या आपकी क्लिनिक है? अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन वर्किंग कर रही हूँ. अच्छा जी. अभी ये ऑनलाइन, इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं. विद टाइम इंशाल्लाह ये चीज़ें पाइपलाइन में हैं मेरे, क्योंकि इतने सारे चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं. इसको मार्केट करने के लिए एक स्पेशल जो है वो एक होमवर्क करके और फिर ही इसको जो है वो स्टोर्स पे लाया जाएगा. लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अपनी वो
क्लाइंटेल डेवलप कर ली है इन्होंने। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है और स्क्रीन पर जो वेबसाइट की एड्रेस आ रही है उस पर आप ये मल्टीग्रेन जो फ्लार है, मल्टीग्रेन आटा है जो ग्लूटेन फ्री है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए, मैं ओबेसिटी को भी एक प्रॉपर बीमारी ही समझती हूँ, और इन सब पेशेंट्स के लिए ये चीज़ एक इट्स अ गिफ्ट। तो आप लोग फॉर द रेफरेंस ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ इट, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए एक दफ़ा, क्योंकि हो सकता है आपके जो इतने प्रोलॉन्ग मसाइल हैं वो इस एक प्रोडक्ट को चेंज करने से शायद चेंज हो जाए। मैं मैं यहाँ पे आपको सेकंड करूँगी, ओबेसिटी बीमारी समझे नहीं, ये बीमारी ही है। मैं तो समझती हूँ, एक सर्टेन एज के बाद आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मोटापा कहीं पीछे रह जाता है और उन प्रॉब्लम्स को डील करना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और उस वक्त भी आप वेट लॉस पे अल्टीमेट जाते हैं। जी बुशरा, मैं आपकी कथा कलामी माफ, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी एज पर, इवन बच्चों को हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं एकदम बहुत ज्यादा स्वेलिंग और बिल्कुल मतलब सूजे हुए, मैं उनको मोटा बच्चा नहीं कहूंगी, मैं उन्हें कहूंगी वो बच्चे सूजे हुए होते हैं बहुत ज्यादा खिला पिला के, वो चीजें बाद में बच्चों के लिए जो है ना वो उस वक्त तो बहुत प्यारी लग रही होती है। अगर आप अभी अभी जो रीसेंट कंडीशन है जिसमें बहुत जो डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की जा रही है उनमें आप देखें बच्चों के अंदर डायबिटीज़ कितनी तेज़ी से जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है, तो उसकी रीज़न यही है पैकेट फूड, फास्ट फूड, तो ये चीज़ें प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल प्रोसेस्ड, क्योंकि उसमें शुगर इन्हांस्ड होती है और जितनी ज़्यादा शुगर इन्हांस्ड होगी उतना ज़्यादा डायबिटिक कोशिश, बिल्कुल ये मतलब जो घर की क्वीन है, जो माँ है, उसको बहुत स्मार्ट चॉइसेस लेनी होंगी अपने किचन में, अपने घर के लाइफस्टाइल के अंदर, अपने बच्चों को ब्रॉट अप करने में। ये स्मार्ट चॉइसेस तो वो लेंगी, लेकिन ये बताएं आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो रेंज है वो कितनी स्मार्ट है, क्या वो एक आम घराने की कुव्वत खरीद में आती है या नहीं? देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि इसको हम इजीएस्ट से इजीएस्ट प्राइस रेंज पर लेकर आए, लेकिन चूंकि इसमें सुपर फूड्स का यूज है, लाइक इसमें कैनवा है, मोरिंगा है और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अराउंड 16 प्रोडक्ट्स के कंबाइन करके ये बनाया जाता है, राइट right. और इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, लाइक हम ऑनलाइन मैं ऑर्डर्स लेती हूँ और जब इसके और ये विद इन, अगर एक क्लाइंट का ऑर्डर लेट्स सपोज आया है मुझे, तो उसके साथ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो स्पेसिफिक नंबर है जो हमने इसको पत्थर की चक्की से निकलवाना होता है, तो उसके लिए हमें एक नंबर ऑफ स्पेसिफिक केजेस क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। अगर हम इसको रेगुलर उससे निकलवाएंगे मशीन से तो इसका फाइबर बर्न हो जाएगा, तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो फिर यू नो अच्छी चीज हमेशा थोड़ी प्राइस वेरी कर जाती है। हाँ, लेकिन फिर लेकिन इसमें जो 2 kg का पैक है वो 1350 का है और जो 5 kg का पैक है वो 27 का है, विद डिलीवरीज हैं ये दोनों। अच्छा, और ये डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, ये सिर्फ ऑल ओवर द लाहौर, नहीं डिलीवरी आप कहीं पर भी, अभी मेरे माशाल्लाह मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, यहाँ पे और कराची, इन सारी जगहों से मुझे ऑर्डर्स आते हैं। मुझे ये बताइए कि जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं स्पेशली ख़वातीन को मैसेज दूंगी कि जिस तरह से हम ख़वातीन, मैं और मेरे जैसी बहुत सारी मेरी दोस्तें, बहनें, माएँ जो काम कर रही हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है, अपने आप को अपने कभी भी कमज़ोर नहीं समझना, हमेशा याद रखना है मैं नहीं कमज़ोर, और जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकलेंगे तो ही आप काम कर सकेंगे, ऑनलाइन है सब कुछ, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है, ऑलमोस्ट हर बंदा, मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन 95% जो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं या जो भी लोग हैं, वो सब पावर ऑफ सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हैं, तो अगर ज़िंदगी कभी आपको मौका दे और आपके अंदर अल्लाह ताला ने किसी को भी खूबियों के बगैर नहीं बनाया है, और तो आपके अंदर भी जो सलाहियतें हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। नहीं
That's great. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और इतनी मोटिवेटेड खातून कम ही देखी है हमने इस फील्ड में. और डाइटिशियंस का काम होता है डराते धमकाते रहते हैं, लेकिन आप तो बड़ा मोटिवेट करके वेट लॉस कराती होंगी यकीनन. सो एवरीवन, जैसा कि अभी आपने देखा हमारे लास्ट सेगमेंट में जहाँ पे बुशरा शाहिद थी और उन्होंने अपना जो इनिशिएटिव था, बेशक वो छोटा सा हो लेकिन वो एक जज्बा आपने महसूस किया होगा. तो प्लीज़ अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी खवातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ करने का सोच भी रही हैं, तो प्लीज़ उनको एम्पावर करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि शायद आपका एक जुमला, एक तारीफ उनको बहुत आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. सो यही हमारी कोशिश होती है, यही हमारी टीम की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हम अपनी औरतों के लिए, इस पाकिस्तानी औरतों के लिए जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें उनकी ज़िंदगी में. इसी के साथ अब वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त चाहने का, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. It is a fight.